हे एवरीवन, व्लॉग की शुरुआत करती हूँ बहुत ही टेस्टी सी चाय से। तो चाय पीने के बाद अम्मी ने मुझे भेज दिया था, अम्मी के मिलने वाले जो हैं उनके यहाँ पर स्वीट भेजनी थी, तो सबके लिए स्वीट लड्डू दे दिए थे। तो हम लोग निकल गए थे पार्टनर के लिए। सबसे पहले हम गए अम्मी के, बहुत ही ज़्यादा ख़ास हैं वो, बहुत ही करीब हमारी चची लगती हैं उनके यहाँ। उसके बाद गए हम अपने भाई के यहाँ, तो यहाँ पर इनका स्कूल है वो देखा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बहुत ही प्यारे प्यारे से यहाँ पर पेड़ थे। देखिए कितने अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगा के रखे हुए हैं इन्होंने अपने घर में, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा इस तरह से। और हमने आज पूरे गांव का विज़िट किया और बहुत ही मज़ा आया। एक लंबे अरसे के बाद इस तरह से चीज़ें मिली, तो देखिए कितनी अच्छी नहर है। उसके बाद सामने है ईदगाह, बहुत ही प्यारी सी बनी हुई। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं देखने के लिए मिलती हैं, बहुत अच्छा लगता है। फिर हम लोग आ गए थे घर। सबसे पहले मैं आई भाभी की तरफ, वहाँ पर पानी पिया, उसके बाद मैं आ गई घर। तो यहाँ पर हम लोगों ने खाया खाना और सब चीज़ें खाने पीने के बाद, ये व्लॉग जो है नेक्स्ट डे का है। जब हम अलीगढ़ से आए थे तो मैं वन नाइट स्टे किया था अपनी अम्मी के यहाँ पर, उनके साथ काम कराने के लिए। उनको काफ़ी काम था मुझसे, तो वो सब कराने के लिए मैं निकल गई हूँ अब अपने घर के लिए। अम्मी का हो गया है काम, अब मैं जा रही हूँ अपने घर, मतलब अपनी ससुराल। तो बच्चे आ गए हैं और बच्चे जो नींद में हो रहे हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें भी मिल गई हैं इनको। और काफ़ी मस्ती करने के बाद हम लोग कर रहे हैं ट्रैवल। मेरे भाई जो हैं वो मुझे छोड़ने जा रहे हैं, भाई और भाभी साथ में हैं। तो आयशा जो है वो बहुत ज़्यादा लेज़ी भी हो रही हैं। तो देखिए यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटा सा सफ़र करने के बाद मैं पहुँच गई हूँ अपने ससुराल। तो मेरा प्यारा सा ससुराल जो है वो आ गया है, ये है मेरा ससुराल। तो हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मस्ती की। आप लोगों ने मेरे सारे व्लॉग्स देखे होंगे तो बहुत ही अच्छा लगा। आने के बाद हुमैरा की वही मस्ती शुरू हो गई, तो थोड़ा सा कराया जल्दी जल्दी से नाश्ता, उन लोगों को जाना था जल्दी थी। फिर मैंने प्यारे प्यारे गिफ्ट देखे और मैंने बनाई बच्चों के लिए खिचड़ी, बहुत ही टेस्टी सी, क्योंकि बच्चों का दिल चाह रहा था खिचड़ी खाने का। और मैंने भी यहाँ पर कर्ड के साथ खिचड़ी ही खाई। तो फूफा फूफा से मिलने के बाद सारी चीज़ें उनको दिखाई करी, और यहाँ पर अम्मी ने मुझे दी थी बहुत ही अच्छी अच्छी सी स्वीट्स जो अलीगढ़ से आई थी मेरे भाई की सगाई में, तो वो भी मुझे देना करना था सबको, तो वो भी मैंने अपने अकॉर्डिंग देनी कर ली सब। तो पहले आप लोग ये बताइए मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं आपको। अगर अच्छे लगते हैं तो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ये स्किप नहीं कीजिएगा, और लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग चल रहे हैं आजकल के, तो आप लोग भी इंजॉय कीजिए मेरे साथ। उसके बाद मैंने लिए लड्डू और सभी घर वालों को सर्व किया और सब बहुत ज़्यादा हैप्पी थे ऑलरेडी। और स्वीट खाने के बाद तो सबकी बल्ले बल्ले हो गई, बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्वीट लगी सबको। उसके बाद मैं आ गई अपने रूम में और रूम को क्लीन किया और काफ़ी सारा काम किया। तो ऐसे ही व्लॉग बना मेरे व्लॉग के लिए, व्लॉग पर बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और अब मैं आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला प्यारे प्यारे व्लॉग्स के साथ, अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ। नेक्स्ट डे लंच में हमने खाए दाल राइस, सैलेड, काफ़ी सारी चीज़ें, और खाई रसमलाई, बहुत ही टेस्टी सी रसमलाई है ये, बहुत ही डिलीशियस। खाने के बाद तो मज़ा ही आ गया। तो बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और काफ़ी ज़्यादा फन कर रहे थे, तो मैं आई किचन में क्योंकि बच्चे प्ले कर रहे थे, क्यों ना एक चीज़ बना ली जाए। तो एक रेसिपी मैंने तैयार की, यह हमारी गार्डन के बेलपत्थर हैं। उसके लिए मैंने सबसे पहले बेलपत्थर को ओपन किया, उसके बाद इसको मैश किया वाटर डाल के, और उसको छानने के बाद एक चल्ली में छाना। उसके बाद हमने इसका बहुत ही अच्छा सा बेलपत्थर का जूस जो है वो रेडी कर लिया। इतना टेस्टी जूस था ये, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होता है। तो मैंने अपने घर वालों को इस तरह से जूस बना के दिया और सभी लोगों को सर्व भी करूँगी मैं अब यहाँ पर। तो मैंने बनाया एक बेलपत्थर का इतना सारा जूस, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी बेलपत्थर थी और थोड़ा बिग भी थी, तो बहुत ही अच्छा बन गया और बहुत टेस्टी भी होता है। तो हमने इसमें थोड़ा सा जो है बूरा ऐड की यहाँ पर, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि थोड़ी सी, क्योंकि फूफा की वजह से ज़्यादा ऐड की थी क्योंकि उनको मीठा काफ़ी पसंद है, अदरवाइज ये ऐसे भी चल सकती थी विदाउट शुगर। कोई बात नहीं है, फिर लेते हैं आइस क्यूब्स, इसमें ऐड करने के बाद लेते हैं ग्लास अपनी मनपसंद के और बहुत ही अच्छा सा बना लेते हैं जूस, क्योंकि बेलपत्थर का जो शेक होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। तो चलिए निकाल लेते हैं ये वाले ग्लास। तो ग्लास निकाल लिए हैं, डालेंगे इसमें आइस क्यूब्स और बहुत ही ठंडा सा बनाकर देते हैं अपने घर वालों को, क्योंकि गर्मी के मौसम में इस तरह की चीज़ तो बहुत ही अच्छी लगती है।
और अपने घर की चीज़ हो तो उसकी तो बात ही अलग होती है। जैसे कि बेलपत्थर अपने गार्डन में आई हुई हैं, फ्रूट्स कोई भी हो बहुत ही अच्छा लगता है अपने गार्डन का हो तो इसकी एक अलग खुशी होती है, और बाज़ार का हो तो उसकी एक अलग खुशी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गार्डन है, स्पेस है इतना कि हम सारी चीज़ के अपने जो पेड़ पौधे हैं वो लगाते हैं और अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को कर लेते हैं, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो आप लोग भी ज़रूर बनाकर पीजिएगा, क्योंकि गर्मी के टाइम में इस तरह का शेक जो है वो बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है। हमने जो है बेलपत्थर का जो शेक है वो रेडी कर लिया है, तो आइस क्यूब्स के साथ ठंडा ठंडा सा देखने में लग रहा होगा ना, देखने में नहीं ये है भी ठंडा बहुत ज़्यादा। तो चलिए एक ग्लास तो हो गया मेरा, तो सबसे पहले मैं टेस्ट करूँगी कैसा लगा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, मैंने टेस्ट कर लिया है, अब देकर आती हूँ मैं फूफा फूफो को और अपने हस्बैंड को। तो मैंने अपने हस्बैंड को तो दे दिया है, ये है फूफा और फूफो का ग्लास। तो चलिए चलते हैं उनके रूम में, देखते हैं फूफा फूफो स्लीपिंग कर रहे हैं कि उठे हुए हैं। तो इस तरह की चीज़ें तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं, सर्व करना बनाना इस तरह का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। और बच्चे तो एक तरफ प्ले कर रहे हैं आज, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे कम परेशान किया है पूरे दिन, वरना अच्छा खासा परेशान कर लेते हैं गर्मी में, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कभी कभी, और प्यारी प्यारी बातों में लगाने के बाद करा देते हैं होमवर्क, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बच्चे पेंसिल भी हाथ में नहीं पकड़ते हैं, फ़ोन की आदत होती है तो पेंसिल तो बिल्कुल पकड़नी ही नहीं होती है। फिर हो गया था इवनिंग टाइम, यहाँ पर हमने चाय के साथ कुछ चीज़ें ली, उसके बाद हमारे जो गार्डन में है वो परिंदों ने थोड़ा सा आम जो है वो गिरा दिए थे, तो ये हमारे गार्डन के आम। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट में वाटरमेलन खाया। अल्लाह हाफिज़।